पर हमें जैकोबियन फाइंड करना है और जैकोबियन जो होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा यहाँ पर यू वी डब्ल्यू तीन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड आपको दे रखे हैं तो जैकोबियन को हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं डिटरमिनेंट से और उसका वैल्यू होता है डिटरमिनेंट पार्शियल यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल यू विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल यू विद रिस्पेक्ट टू

हम दूसरे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं जैसे पार्शियल विद टू पार्सियल एक्सड अपॉन पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू वाई टू माइनस एक्स अपॉन वाई पार्शियल पार्सियल विद रेस्पेक्ट टू जेड इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई सिमिलरली पार्शियल डब्लू विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू y अपॉन z पार्स w डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन जेड पार्स एल डब्लू विद रेस्पेक्ट टू जेड इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई अपॉन ये सारे पार्सल डेरिवेटिव डिटर्मिनाट की फॉर्म में आपको लिखना होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि पार्सल डेरिवेटिव मैंने करस्पॉन्डिंग रो में लिखे हैं यहाँ पर फर्स्ट रो में आप देखेंगे सभी में वन अपॉन एक्स कॉमन आ जाएगा फिर सेकेंड रो से वन अपॉन वाई और थर्ड से जेड वन अपॉन जेड कॉमन आ जाएगा फाइनली हमें जो डिटर्मिनेंट मिलेगा जो रिमेनिंग होगा वैल्यूज पुट करने के बाद होगा माइनस जेड अपॉन एक्स जेड वाई सेकेंड रो होगा जेड माइनस एक्स अपॉन

ई जेड अपॉन वाई जेड माइनस एक्स स्क्न जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई फर्स्ट स्ट्रो के अलोंग हमने इसको एक्सपेंड कर दिया एक्स जेड प्लस एक्स जेड यहां पर स्क्वेयर ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाता है फर्स्ट यहां पर वाई जेड से वाई जेड कैंसल आउट हो जाता है और फर्स्ट ब्रैकेट आपको जीरो मिल जाते हैं फाइनली वन अपॉन एक्स वाई जेड सेकेंड ब्रैकेट से आपको मिलेगा टू टाइम्स एक्स वाई जेड प्लस टू टाइम्स एक्स वाई जेड और यहां से आपको वैल्यू फोर मिल जाती है कौन सा ऑप्शन वैल्यू फोर दे रहा है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा